नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर ग्लोसरी यानी कि कंप्यूटर शब्दावली से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है? तो एमएस एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट आप ओपन करते हो, जब भी किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने जो है सबसे पहला जो सेल होता है A1 उसको यहां पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो सेलेक्ट होने के बाद ये जो बाउंड्री बन जाती है, ये जो सेल है ये क्या कहलाता है? ये हमारा एक्टिव सेल कहलाता है क्योंकि इसके अंदर हम जानकारी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इट रेफर्स टू द करंटली सेलेक्टेड सेल इन स्प्रेडशीट। इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय ए बोल्ड आउटलाइन दैट सराउंडेड द सेल। ठीक है, इसकी पहचान की जाती है कि इसके चारों तरफ एक बोल्ड आउटलाइन बन जाती है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले जो बेसिक आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है वो होती है उसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कब होती है? जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आप अपनी आईडी वहां पर डालते हो, आपका यूजर नेम, इसके अलावा आपका पासवर्ड, तो वो वेबसाइट जो होती है उसका जो सर्वर होता है वो चेक करता है कि आप सही यूजर हो या फिर नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, एनी प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम वेरीफाइज द आइडेंटिफाई ऑफ द यूजर हु वांट्स टू एक्सेस इट। यानी कि कोई भी सर्विस आप किसी सर्वर पर जाते हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अगर आप उसको लेना चाहते हो तो सर्वर क्या करता है, आपको आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है कि आप सही व्यक्ति हो या फिर नहीं, तो उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? जैसे कि आपका गूगल का क्रोम है, ये एक ब्राउजर है। मोजिला का फायरफॉक्स एक ब्राउजर है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, ए स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इनेबल यूजर टू रीड, व्यू वेब पेज एंड जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम वेब पेज यानी कि वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है बस। बस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा आपने देखो जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो कुछ लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, तो वो जो वायरिंग जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है जिनसे डेटा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, तो वो जो लाइनें होती हैं जो संचार का काम करती हैं डेटा का, वो आपका बस कहलाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CSSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कोपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है। अभी चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। नेक्स्ट है कुकी। कुकी क्या होती है? कुकी वैसे तो बिस्किट होता है लेकिन जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जैसे ही आप उन वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पर एक मैसेज आपको देखने को मिलता है, दिस वेबसाइट यूज योर कुकी। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने इंटरनेट पर जो भी कुछ सर्च किया था उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है जिससे वो वेबसाइट आपकी, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको वहां पर कंटेंट दिखाती है। ठीक है, तो कुकी क्या होता है? ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल बिटवीन ए ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। ये क्या है? एक पैकेट होता है किसका? इंफॉर्मेशन का, जो जो ट्रैवल करता है किसके बीच में? आपका जो ब्राउजर है वो और उस सर्वर के बीच, यानी कि वो वेबसाइट जिस वेब सर्वर पर होस्टेड है उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग आप सब जानते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस विच स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या होता है? आप सब जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा इनपुट में लेता है और इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट में देता है प्रोसेस करके। तो डेटा क्या होता है? वो एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट होता है। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर विच आर नॉट इन डायरेक्टली यूजेबल फॉर। यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट का कलेक्शन होता है
है जिन्हें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जबकि जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन ना बन जाए। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होती है? ये भी कुछ एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो कि विशेष काम के लिए बनाई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी प्रिंटर को आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो प्रिंटर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रिंटर को चलाने के लिए एक अलग से, ठीक है, एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे हम ड्राइवर कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट पर किसी को जानकारी भेजते हो या फिर आप किसी वेबसाइट पर किसी कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हो जिसे यूजर से जो है लॉगिन या फिर उसका पासवर्ड लेते, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसमें क्या होता है इनक्रिप्शन में ही, जो एक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि आपके जो जानकारी होती है इंटरनेट पर उसको सिक्योर करने के बारे में आपको सिखाया जाता है। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेज। इसमें क्या होता है, मैसेज को एनकोड किया जाता है, उलझाया जाता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे दैट हैकर कैनॉट बी रीड इट। जिसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है वो उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, बट द ऑथोराइज यूजर कैन एक्सेस इट। लेकिन जो ऑथोराइज यूजर होता है जिसको आपने वो जानकारी भेजनी है वो यूजर उस जानकारी को पढ़ सकता है लेकिन बीच में कोई भी थर्ड पार्टी ही, ठीक है, कोई भी तीसरा व्यक्ति उस जानकारी को नहीं देख सकता, तो उसे इंक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इंटरनेट पर जब हम फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उनको भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे हम एफटीपी कहते हैं, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर टू नेटवर्क हैविंग डिफरेंट बेस प्रोटोकॉल। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट यानी कि नेटवर्क पर दो अलग अलग, ठीक है, प्रोटोकॉल के आधार पर नेटवर्क को जोड़ता है। यानी कि दो नेटवर्क हैं उनका प्रोटोकॉल अलग अलग है, उनको जोड़ने के लिए हम जो है गेटवे का यूज करते हैं। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट करते हो ना इंटरनेट पर तो पेमेंट गेटवे शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कई बार देखा हो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते, जैसे कि अमेजोन पर जाते हो, आपने वहां पर कुछ सामान परचेज किया, परचेज करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। या तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो, भैया आपके पास सामान आएगा आप कैश दे देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है आपका भैया आप नेट बैंकिंग, ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो किसी पर्टिकुलर बैंक की तो आप उसके माध्यम से कर सकते हो। अब हर एक बैंक का अलग अलग जो है नेटवर्क होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जैसे कि गूगल पे, अगर आप गूगल पे यूज करते हो तो गूगल कई जो वेबसाइट है उसका प्रोटोकॉल अलग होगा, ठीक है, वो अलग प्रोटोकॉल पर काम करेगी। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है जैसे कि आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम का जो अलग प्रोटोकॉल होगा। तो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल के आधार पर जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेटीएम है वो अलग नेटवर्क से है, ठीक है, आपका बैंक अलग नेटवर्क से है, इसके अलावा गूगल पे अलग नेटवर्क से है, तो तीनों को एक स्थान पर जोड़ दिया गया है उस वेबसाइट पर, तो वो क्या है, वो एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? जब भी आप अपने कंप्यूटर में कुछ प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो आपके पास किताब है, किताब के ऊपर जो जानकारी लिखी हुई है ना, वो आपकी हार्ड कॉपी है, ठीक है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में जो जानकारी आपको दिखाई देती है जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, वो क्या है, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी या फिर सॉफ्ट डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? इट इज ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। जो आप प्रिंट निकालते हो आपका हार्ड कॉपी, और जो आपके कंप्यूटर में दिखाई देते जैसे कि जो कोई पीडीएफ है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, वो सब आपके सॉफ्ट कॉपी होते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये क्या है, ये कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI या फिर CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि दैट द सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक। यानी कि जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो अगर आप चाहो तो इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो जिससे आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मर्जी के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो, बदल सकते हो। ये क्या है, ये जो है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इससे पहले आया था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये लिनक्स जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कॉपी कौन सा है, लिनक्स है, ठीक है, और यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी वर्ड्स कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।